फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में हो गए, पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। और आपका हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे, जैसे कि आपको पता चल चुका है कि ये पिक का रीडिंग है, आपको जो भी नंबर अट्रैक्ट करे, जो भी कलर अट्रैक्ट करे, जो भी पाइल आपको सिलेक्ट करनी है, आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करें, आपको पता चलेगा कि इस वक्त आप जिस भी रोमांटिक पर्सन के बारे में, जो कि आपका रोमांटिक पार्टनर है, जिसके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपको पता चलेगा, ठीक है? एक कि जबकि आप यहाँ पे 6 पाइल्स है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर आंसर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो आप अपने पाइल पर जाके देखो, मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है? तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आप अपने पाइल पर जाके रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है? हम देखते हैं पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है पाइल नंबर 1 के लिए। तो ये है पाइल नंबर 1। आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। यस, पाइल नंबर 1 हम देखते हैं इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट? ओके, यस गाइस, देखिए जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इस वक्त आपके पास देख रहे हैं, आपके और अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? आपके पास आने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन खुद होके एक्शन नहीं लेना चाहते, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो थॉट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था उनका, क्या करे, एक्शन ले या ना ले, ठीक है? लेकिन उन्होंने फाइनल डिसीजन ये ले लिया है कि जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी को वो नहीं छोड़ सकते, और थर्ड पार्टी जब तक नहीं मानेगी, वो आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहती, ठीक है? तो ये जो भी पर्सन आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं, वो आपके लिए एक्शन तभी लेंगे जब ये थर्ड पार्टी उनको परमिशन देगी, ठीक है? हेलो पाइल नंबर 2, हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है? तो यस, ओ वाओ, आपके पार्टनर इस तरह से सोच रहे हैं कि आप बहुत हैप्पी हो अपनी लाइफ में, ठीक है? अपने करियर की तरफ अच्छे से फोकस हो, अपने आप को अच्छे से रख रहे हो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको देखो, जो आपको ना चाहते हुए छोड़ के गए थे उस बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपको कभी भी डिस्टेंस नहीं देना चाहते थे, लेकिन जो कि ना चाहते हुए डिस्टेंस दे दिया, लेकिन इस वक्त आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं ना, उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो, ठीक है? आपको शायद अब उनकी ज़रूरत ना नहीं है, जो कि पास में उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला था ना, उनको मतलब खुद ही को पता नहीं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, आपको खोने का लॉस। उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी अनमोल चीज़ खो दी है, ये इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं। डेफिनेटली रीयूनियन आपका होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपको ऑफर देने के बारे में, आपके साथ शादी करने के बारे में, ये इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है? एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं, आपको नियर फ्यूचर इनका एक्शन डेफिनेटली आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? हेलो पाइल नंबर 3, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं? ओके, ओ वाओ, ऑल राइट, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है पाइल नंबर 3, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन लू नहीं लू, बात करूँ नहीं करूँ, इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, ये आपको जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? इनको भगवान पे पूरा भरोसा है, ये आपके बारे में इतना सोचते हैं ना, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, इस तरह से आपको विजुअलाइज करते रहते हैं दिन भर 24/7, और ऐसा करने से जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यस, इनका मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क करने वाला है, क्योंकि डिवाइन का इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट ऑफर मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। बस ये सोच रहे हैं, सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर, और इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये आपके पास आना चाहते हैं। इनको पता है आप कितना केयरिंग हो, कितना उनके लिए ट्रू लव करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, और आप हमेशा उनकी राह देखते हो, और हर रोज़ उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हो, ये इनको अच्छे से पता है, ठीक है? इस वक्त इनकी प्रॉब्लम बस यही है कि ये कन्फ्यूज़ है, एक्शन कब लूँ,
क्योंकि परिवार मानेगा, शायद ये डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर चुके हैं, इनको दिल ही दिल में ये फील होता है कि आप अपने आप कुछ हो जाएगा मैजिक और इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और आप दोनों फिर से रियूनाइट हो जाओगे, ये इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है। हेलो पाइल नंबर 4, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। ठीक है। इनके पार्टनर इस वक्त इनके लिए क्या सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त आपको, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रातों को जागते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, इनका आपको एक्शन रिसीव होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इनका दिल करता है कि अभी जाके आपसे बातचीत स्टार्ट करें, इस रिश्ते को स्टार्ट करें। डेफिनेटली ईगो की वजह से ये रिश्ता अटका पड़ा है, इनको लगता है कि अगर ये आएंगे तो शायद आप ईगो दिखाओगे, इस तरह से हो सकता है, या फिर ये खुद ईगो में बैठे और आपके लिए कॉल मैसेज नहीं करते। दिल इनका मरे जा रहा है, रात रात भर जागते हैं, सोते नहीं हैं, नेगेटिव थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एक्शन लेने का दिल करता है लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप ईगो दिखा के इनको मना कर दोगे, जो कि पास में अगर ये आपको छोड़ के गए थे तो इनको पता है कि आपका दिल बहुत टूटा है, तो आप शायद उनका रिवेंज लो, बदला ले लो और उनका इंसल्ट कर दो, जो कि इनसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त आपके लिए इस तरह से सोच रहे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनको मना कर दोगे। आपके साथ डेफिनेटली ये रीयूनाइट करेंगे, नियर फ्यूचर आपको इंका एक्शन आ जाएगा, 3 वीक्स 3 मंथ्स लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका एक्शन आपको डेफिनेटली आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, इनका ईगो उतर जाएगा और आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। हेलो पाइल नंबर 5, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। ठीक है। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास की बातें याद कर रहे हैं। ठीक है, आपका प्यार याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉयल फीलिंग्स है इनके आपके लिए, आपको कभी भी चीट नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर आपको छोड़ के भी गए हैं ना, वहाँ पे जाने के बाद भी इनकी नज़र आप ही की तरफ है, आप ही के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ही की तरफ आने के बारे में प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आएंगे आपके पास, लेकिन जो कि कुछ मनमुटाव है आप दोनों में, कुछ कंडीशंस रखी गई है, जो जब तक कि वो कंडीशंस कंप्लीट नहीं हो जाती, या फिर ये इनको ऐसा नहीं लगता कि ये आपके कंडीशंस कंप्लीट कर सकते, तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, पास की बातें, आपके रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा याद कर रहे, इनको ऐसा फील होने लगा कि यस, आपका कोई तो ही पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट आप डेफिनेटली हो सकते हो, इनको इस तरह से फील होते हुए दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, भगवान की तरफ मुड़े, भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चा करते हैं, शायद इसलिए इनके इंट्यूशन पावर जो है बढ़ चुके हैं और इनको ऐसे फीलिंग आने लगे। ठीक है, डेफिनेटली खुद होकर आपको ऑफर करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेने वाले अपने परिवारों को, परिवार वालों के सामने, और आपको अपना प्यार भी ऑफर करेंगे। डेफिनेटली आपका रियूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपसे शादी करना चाहेंगे फ्यूचर में। ठीक है, आपको इनका एक्शन आ जाएगा, 5 मंथ्स कम से कम 5 मंथ्स लग सकते हैं। ठीक है, और कम से कम 5 वीक्स लग सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन इनका आपको ऑफर डेफिनेटली आएगा। ठीक है। हेलो पाइल नंबर 6, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा, जो भी आपको टावर मोमेंट दिया गया है ना पास में, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कि इन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए आपको डिस्टेंस दिया था। देखो यहाँ पे द लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड एक साथ आए हैं, इतना प्यार होने के बावजूद आपने इनका आपने इनको इतना अनकंडीशनल लव दिया, इतना प्यार किया, लेकिन अपने आपके प्यार को ये पहचान नहीं सके, ग्रीड और लालच के चक्कर में प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए इन्होंने आपको डिस्टेंस दे दिया, जबकि इनका प्यार सच्चा था, अनकंडीशनल लव इन्होंने भी आपसे किया था, आपने भी इनसे किया था, लेकिन अचानक से इनका माइंड जो किसी ने डाइवर्ट कर दिया और ये इन चीज़ों में फंस गए, उस बारे में बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, इसी बारे में सोच रहे हैं कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों, मतलब मैं क्या पागल था जो इस तरह से भरता हूँ मैंने आपके साथ किया, क्योंकि आपको ये एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा जैसे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, उनको आपका लुक उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप इस वक्त उनके लिए एम्प्रेस हो, जैसे कि आप सोचो या आपको एक रानी के रूप में देख रहे हैं कि आप ऐसी पर्सनैलिटी हो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुकी हो, आपको हर एक का सही चेहरा पहचानने की क्वालिटीज अब आप में आ चुकी है। ठीक है, आप सबको पहचानते हो, सिर्फ एक बार देखते आपको पता चल जाता है कि सामने वाले के दिल में
क्या चल रहा है, इस तरह से आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स इनकी डेवलप हो रही है और ज़्यादा बढ़ रही है। अभी किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहते, बस आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली आपका रियूनियन मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक्स 6 मंथ्स लग सकते हैं, 2 वीक्स 2 मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपका रियूनियन इस रिश्ते में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, कभी भी नहीं टूटेगा। आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबल ऑफर भी मिलने वाला है और एंड तक आपका मतलब रियूनियन होकर शादी भी होने वाला है, ठीक है। आपको बस वेट एंड वॉच करना है। आपका इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है।